हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए एक 1500 कैलोरीज का डाइट प्लान लेकर आई हूँ। ये हाई प्रोटीन एंड स्लाइटली लो इन कार्ब डाइट प्लान है। इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर बिगिनर्स हु आर ट्राइंग टू लूज वेट। बट अगर आप वेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये डाइट प्लान काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। 1500 का जो कैलोरी का डाइट प्लान है वो एक एप्ट डाइट प्लान है। इससे नीचे मेल्स को तो स्पेशली नहीं जाना चाहिए। ये एक हाईली डिमांडेड डाइट प्लान होता है। 1500 कैलोरीज का जो डाइट प्लान होता है, ये मील प्लान इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ज्यादा एनर्जाइज फील करें। साथ ही इस डाइट प्लान में आपको मसल लॉस के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। इस डाइट प्लान के अंदर 3 मेन मील हैं, 2 स्नैक्स हैं और कुछ ड्रिंक्स हैं जो सीजन के हिसाब से डाइट में इंक्लूड किए गए हैं। ये जो डाइट प्लान है ये इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बेस्ड है, जहां पर हम 14-10 की विंडो फॉलो कर रहे हैं। यानी 14 आवर्स आपको फास्ट रखना है और 10 आवर्स आपको अपना जो मील है वो कंज्यूम करना। सो यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इसके बाद आता है हमारा मॉर्निंग ड्रिंक, जो है मोरिंगा बेस्ड ड्रिंक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आप इसके अंदर मोरिंगा पाउडर या फिर फ्रेश मोरिंगा लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सीजनल फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो यू नीड ओनली 3-4 इंग्रेडिएंट्स: मोरिंगा, कोई भी सीजनल फ्रूट, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, पानी एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट और अपनी पसंद का कोई नेचुरल स्वीटनर, एंड योर मॉर्निंग ड्रिंक इज एब्सोल्युटली रेडी टू कंज्यूम। ब्रेकफास्ट की बात करें तो यहाँ पर है मेरी स्पेशल सत्तू की स्मूदी, जो आप अपनी डाइट में इस सीजन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस ओट्स एंड सत्तू की स्मूदी को बनाने के लिए हमें 2.5 टेबल स्पून ओट्स, 2.5 टेबल स्पून सत्तू, 2.5 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट्स चाहिए। अगर आपके पास पीनट बटर है, अनसॉल्टेड यानी बिल्कुल प्लेन जो पीनट बटर होता है, वो आप 1 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। 3 डेट्स या फिर आप जैगरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कोकोआ पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ओवरनाइट सोक करेंगे पानी के अंदर। फ्रिज में रख देंगे उस मिक्सचर को और नेक्स्ट मॉर्निंग सिंपली हमें इस मिक्सचर को ग्राइंड करना है और हमारी एक बहुत ही डिलिशियस स्मूदी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर न्यूट्रिशन की बात करूं तो 250 कैलोरीज है इसके अंदर और 16 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा इस रेसिपी से। सो ब्रेकफास्ट में आपको ये दोनों ड्रिंक्स कंज्यूम करने हैं। मिड डे मील में है कोई भी सीजनल फ्रूट जो आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसके अंदर हल्की सी स्टीम वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सकते हैं विद अ टेबलस्पून ऑफ हमस। लंच में हम बनाएंगे एक बहुत ही क्रीमी, बहुत ही डिलिशियस काले चने का सैलेड। काले चने जो होते हैं वो प्रोटीन में रिच होते हैं। हम 3/4 कप बॉइल्ड काला चना लेंगे, 2-3 टेबलस्पून हंग कर्ड, यानी कर्ड को या तो आप किसी कपड़े में या फिर छलनी में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, उसका एक्सेस वाटर निकल जाएगा और जो थिक कर्ड होगी उसे हंग कर्ड भी कहा जाता है। 1 कप मिक्स वेजिटेबल्स लेनी है, आप क्यूकम्बर ले सकते हैं, कैप्सिकम, टमेटोज, कैरेट, कॉर्न स्टीम किए हुए, 1 चम्मच डीजॉन मस्टर्ड सॉस और सॉल्ट और सीजनिंग अपने पसंद की, जैसे कि आप ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम काले चने को और वेजिटेबल्स को एक बोल में मिक्स कर देंगे। एक सेपरेट बोल में हम ड्रेसिंग बनाएंगे जिसमें हंग कर्ड ऐड करेंगे, सारी जो हमारी सीजनिंग है, नमक, जो काला नमक या पिंक सॉल्ट आप इसमें ऐड करेंगे और साथ ही मस्टर्ड सॉस। आप अगर ऑफिस में जाते हैं तो आप ड्रेसिंग को, जो हमारे वेजिटेबल्स एंड काले चने का मिक्सचर है, उसे सेपरेट लेके जा सकते हैं और आप बाद में इसे मिक्स कर सकते हैं खाने से एकदम पहले। अगर आप इसे घर पर प्रिपेयर करके खा रहे हैं तो आप एज इट इज इसे दोनों चीज़ों को मिक्स करके कंज्यूम कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये दही की ड्रेसिंग है, इसीलिए अगर आपके ऑफिस स्पेस में कोई फ्रिज या रेफ्रिजरेटर है तो आप उसके अंदर इसे स्टोर कर सकते हैं। लंच के बाद आपको कंज्यूम करना है छाछ, जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, आपको हाइड्रेट रखेगा और बहुत अच्छा एडिशन रहेगा आपकी डाइट के अंदर। ये डाइजेस्टिव छाछ है जो आपको प्रिपेयर करनी है, जिसके लिए 3/4 कप आप दही लेंगे, कोरिएंडर और मिंट की फ्रेश लीव्स, जिंजर छोटा सा, रॉक सॉल्ट, जीरा पाउडर और प्लेन वाटर।
आप इन सभी चीज़ों को ब्लेंड करके एक बहुत ही डिलिशियस छाछ बना सकते हैं और उसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये एक आयुर्वेदिक रेसिपी है जिसे पाचन छाछ भी कहा जाता है। इसके अंदर 110 कैलोरीज हैं और 5 ग्राम प्रोटीन। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो इसे आप एक फ्लास्क के अंदर या फिर एक थर्मस जो होती है, जो आजकल बहुत आसानी से मिल जाती है, उसके अंदर इसे कैरी कर सकते हैं विद सम आइस क्यूब्स। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ ट्रेल मिक्स और आप इसमें दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मिल्क आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से नाइट में लेना अवॉइड करते हैं, तो आप इवनिंग में एज अ स्नैक अपना मिल्क जो है वो ट्रेल मिक्स के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। मेक श्योर कि फिर उस ट्रेल मिक्स के अंदर कोई सॉल्ट ना हो अगर आप उसे मिल्क के साथ कंबाइन कर रहे हैं, और यू कैन हैव अ गैप ऑफ 15-20 मिनट्स बिटवीन योर ट्रेल मिक्स एंड योर मिल्क। अगर मैं ट्रेल मिक्स और मिल्क की कंबाइंड रेसिपीज की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 180 कैलोरीज होंगी और उसमें 11 ग्राम आपको मिलेगा प्रोटीन। डिनर में हम एक और क्विक रेसिपी कंज्यूम करेंगे जो है स्टीम वेजिटेबल्स विद पनीर रोल। डिनर में आप लेंगे एक लो फैट पनीर का रोल विद स्टीम वेजिटेबल। इसके लिए सबसे पहले आपको पनीर की भुर्जी तैयार करनी है। डिप के फॉर्म में या तो आप ताहिनी यानी सेसमे सीड का पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप वीगन मेयो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मेरे रेसिपी चैनल पर मिल जाएगी। आपको सेपरेटली चपाती प्रिपेयर करनी है। जब वो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी तब आप उसके रोल बनाएंगे। बीच में आप वेजिटेबल्स को स्टीम करके उन्हें भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अपनी रोटी के अंदर भुर्जी को फिल करेंगे और उसे तवे पे एक बार और सेक लेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। अगर इस लो फैट पनीर और स्टीम वेजिटेबल की कैलोरीज की बात करूं तो इसमें 360 के आसपास कैलोरीज हैं और 18 ग्राम प्रोटीन। बेड टाइम में आप एक समर टी कंज्यूम करेंगे जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। ये आपकी नींद को भी प्रमोट करेगी। इस टी को आपको कंज्यूम करना है 30 मिनट्स बिफोर योर बेड टाइम। इसमें हम सौंफ, इलायची, अदरक और मिंट का इस्तेमाल करेंगे। हाल ही में मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारी रेसिपीज़ के कुछ फॉर्म्स मैंने शेयर किए हुए हैं ऑलरेडी मेरे रेसिपी चैनल पे, तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि मैंने टाइमिंग मेंशन की हुई है, बट आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से टाइमिंग्स जो हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट 10 आवर्स की विंडो आपको फिक्स रखनी है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम यू टेक केयर। बाय बाय।